सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चाइना पीक फाइनली दोस्तों, हम लोग चाइना पीक पहुंच चुके हैं और फीलिंग ऑसम इन चाइना पीक और बहुत हमें खुशी मिल रही है। आ जाओ सारे। ये नैनीताल की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ये हाईएस्ट पॉइंट है और हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पहुँच कर। काफी ठंडा है यहाँ पे। नीचे जाओ। देखिए, आ जाओ भाई, सब आ जाओ। और आपको सामने सारा व्यू यहाँ का दिखा देते हैं एक बारी। देखिए यहाँ से रास्ता, खतरनाक रास्ता। देखिए कितना खतरनाक, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना है, ना एक गलती जान ले सकती है हमारी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता, और यहाँ पे ज़मीन हिलती हुई। आपको बता दें कि यहाँ पे 1871 में लैंडस्लैप हुआ था, जिसकी वजह से ये नीचे का ग्राउंड पूरा ताल तक दिखाई दे रहा है कि लैंडस्लैप की वजह से ही बना है। यहाँ से पहले चाइना की दीवार साफ दिखाई देती थी चोटी से, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दूरबीन के साथ देखना पड़ता है उसे। अब इसलिए इसका नाम नैना पीक रख दिया गया है, पहले चाइना पीक था। देखिए बहुत ही खतरनाक रास्ता, और हम अब चलेंगे इसी खतरनाक रास्ते से, स्पीड को पकड़ते हुए। देखिए देखिए खतरनाक खाई, बहुत ही खतरनाक रास्ते से जाते हुए यहाँ पे पत्थरों से बचते, ज़्यादा किनारे बचो, इस साइड को आ जाओ। देखिए यहाँ से बहुत ही खतरनाक रास्ता, हम यहाँ से रास्ता बदलेंगे अपना। ये देखिए यहाँ से खाई, देख सकते हैं कितनी खतरनाक है, और ठंडी हवा आती हुई यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही मुश्किलों से पहुँचे वहाँ पे आप। ये डंडा पकड़िए पहले, चलिए हम नीचे पहुंच के फिर आपको बताते हैं कैसा लगा। यहाँ चढ़ने में आपको अगर लगभग 3 घंटे लग रहे हैं, तो आपको उतरने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। हाँ, ये रास्ता हमारा खतरनाक ऊंचाई पे, देख सकते हैं। चॉइस इज योर, चलो सीधे ही चलो, सीधे चलो। हाँ, अब हम निकले अपने साथियों की तलाश में, तो शायद डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं पहले ही। इन रास्तों से ये काफ़ी विशालकाय वृक्ष ओक का, और ये देवदार के छोटे छोटे वृक्ष यहाँ पे, जिन्हें क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोर पंछी का वृक्ष देख सकते हैं, हमने के छोटे पौधे घरों में यूज़ करते हैं सजावटी पौधों के रूप में। देखिए हमारा रास्ता और भी दुर्गम होता हुआ,
यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रास्ता आगे को ख़त्म हो चुका है। कोई रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ से? हाँ, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के पेड़ों के बीच से निकलते हैं, फिर हल्के होते हैं कांटे, हल्के हल्के चुभेंगे, लेकिन चलिए चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इन्हें क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेम क्रिसमस ट्री की तरह ही दिखाई देते हैं फिलहाल जब ये छोटे होते हैं। तो देख सकते हैं इस पौधे को। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। छोड़ दो, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अजीब भी। वो कांटे लग रहे हैं, वो अलग। इधर चलिए, ये चलने हैं आपको इधर, देख सकते हैं यहाँ पे सूरज। देखिए बादलों से ढका हुआ, दिखाई नहीं दे रहा हमें क्लियर, और मौसम ख़राब होता हुआ यहाँ पे। अगर बारिश हो गई या बर्फ गिर गया तो हम यहाँ पे फंस सकते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुनहरा दृश्य। ऐसा भी सही कहते हैं नैनीताल। ये जो सामने आपको एक वाइट लाइन लेयर दिखाई दे रही होगी, हम जूम करके दिखाते हैं आपको, ये आपका हिमालय, जिस पे वाइट जो दिखाई दे रहा है वो बर्फ़ जमा हुआ है। हम आपको चल रहे हैं उस पॉइंट पे लेके जो हमारा डेस्टिनेशन है, पहुंच जाएंगे वहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे खतरनाक खाई, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अगर यहाँ से रॉक क्लाइंबिंग करनी है आपको। तो देख सकते हैं लगभग 1000 फीट गहरा है, अगर आप कोई गिरेगा यहाँ से तो सीधे 1000 फीट नीचे खाई में जाएगा। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए पैदल ही आना पड़ता है लोगों को। यह ताल आपका, और ये है रडार, देखिए जो हमारे मिलिट्री वाले नेविगेशन में यूज करते हैं यहाँ से। ये पाइंस में जो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहीं पे आईटीआई कॉलेज है, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज नैनीताल पाइंस, और ठीक उसी के पीछे हमारा भवाली, उसके बाद अल्मोड़ा स्टार्ट हो जाता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। ये सामने आपको कुछ बंदे दिख रहे होंगे, वही चाइना पिक है, अब जिसका नाम बदल कर नैना पिक कर दिया गया है, जो नैनीताल की सबसे ऊँची चोटी है। तो हमें बहुत ही खुशी मिल रही है, लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे टूरिस्ट हैं। डर लग रहा है आपको जाते हुए अभी देख के भी, बिल्कुल ऐसा नीचे को बिल्कुल कुछ भी ना है, कोई बचाव का जरिया ही ना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो फोटोज वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये चाइना पिक से दिखाई जा रही है, काफ़ी अच्छा व्यू और ऊपर से लोग काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। दोस्तों ये सामने हिमालय दिख रहा है, हमारा लक बहुत अच्छा है कि हिमालय दिख गया। Thank you.
जो व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है आपको, चाइना पीक। फाइनली दोस्तों हम लोग चाइना पीक हो चुके हैं और बहुत हमें खुशी मिल रही है। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे। ये नैनीताल की सबसे हाईएस्ट चोटी है ये, हाईएस्ट पॉइंट है और हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा काफी ठंडा है यहाँ पे। नीचे जाओ, नीचे जाओ। तो ये है चाइना पीक का रास्ता। अगर हम आप रास्ते से आओगे, बाइक से आओगे या फिर खच्चरों से आओगे, तो आप इसी रास्ते से आओगे यहाँ पे। और हम जो आपको लेके आए इस घने जंगलों के बीच से एडवेंचर कराते हुए, देख सकते हैं सामने जो चोटी दिखाई दे रही है, ये है कैमल्स बैक। और ये व्यू, ये पहाड़, बादलों का व्यू देख सकते हैं आप यहाँ से, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा लेयर यहाँ पे। और ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, कोहरा और धुंध है। हाँ हाँ, जो ऊपर व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हो बादल है, ब्लू कलर आपका स्काई है और सूर्य जो बादलों से ढका हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ की ये जो ब्लैक कलर की लेयर दिखाई दे रही है आपको एक दूर से ही, ये धुंध है यहाँ पे। वो टावर जो दिखाई दे रहा है वो दुर्गा के केंद्र। अभी हम इसी जंगलों से होके गुजरेंगे, जो नीचे जंगल दिखाई दे रहा है यहाँ से अभी गुजरेंगे, जाएंगे यहाँ से वापस टाकी बैंड पे। फिर सामने हिमालय देख सकते हैं आप, काफ़ी क्लियर यहाँ से दिखाई देता हुआ, काफ़ी अच्छा। देख सकते हो आप, तो ये है क्रिसमस ट्री, इसके बारे में हम आपसे बता रहे थे आपको, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए आपको यहाँ से हाई कोर्ट दिखा दे, हाई कोर्ट काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से। दोस्तों ये यहाँ पे एक कैंटीन है चाइना पीक से आप 200 मीटर करीब आगे आएंगे तो ये कैंटीन आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको उसी दाम पर यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, पानी बॉटल, पानी के बॉटल जो 20 रुपये के एक बार पीना है, अभी मैंने ऑर्डर किया है एक बार पीना, आपको दिखा रहा हूँ ये एक बार पीना है, यहाँ पे 30 रुपये की मिली है। और चाय आप पे 10 रुपये की मिलेगी। तो नीचे भी आप नैनीताल में भी आप 15 से 10 की मिलती है, तो यहाँ पे सही रेट, इतनी ऊंचाई पे आकर सही रेट मिल रहा है। और मैगी खाने का भी आनंद यहाँ पे उठा सकते हैं आप, तो मैगी खाएंगे यहाँ पे, मैगी का रेट है 40 रुपये, 40 रुपये में एक मैगी आपको बनकर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आप चीज़ दिखा दें, ये यहाँ पे जो यहाँ पे नैना पीक की ऊँचाई है 8622 फीट, चाइना पीक 2611 फीट। तो कैसे ओल्ड डैम में मीटर अच्छा फीट है आपके यहाँ से हिमालय दर्शन करवा देते हैं। ये हमारे दो बंदे वहाँ हैं, ये देख लीजिए तलाश में। हाँ, ये आपको यहाँ से जूम करके मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ये धूप जैसे ये बर्फ पे पड़ी है, चमक रहा है पूरा, ये हिमालय रेंज की पहाड़ी है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कितने बज रहे हैं, एक बज रहा है।
एक बज रहा है और हम लोग यहाँ चाइना पीक से नीचे उतर रहे हैं। तो हम 9:30 बजे चले थे हम लोग अभी, और यहाँ 1 बजे करीब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग अब कोई वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि हमको जल्दी पहुँचना है। तो आते हुए तो वीडियो आपको बहुत ही पूरा हम लोग दिखाए हैं, लेकिन जाते वक्त कोई वीडियो नहीं बनेगा। और बैठे भी आपको जैसे हम देख सकते हैं, आप सब कुछ देख चुके हैं। हाँ, और जाते वक्त हम लोग बहुत तेज़ी में जाएंगे और ढलान से सीधे दौड़ते हुए जाएंगे। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगली बार। जब भी नैनीताल आएंगे तो आपको जरूर घुमाएंगे और सारे प्लेस। हम समय कमी होने के कारण और सारे प्लेस नहीं घुमा पा रहे हैं, तो आगे जब भी आएंगे लाइक प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ साथ शेयर भी करिए। शेयर करिए खूब दबा के शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। वो जो घंटा है उसे दबा दीजिए, घंटा दबा दीजिए। बाय।